मैं कमोडोर रिटायर्ड सजीद अनवर मलिक हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग जो कि पिछले साल बना था उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग, सीनियर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स KCFR एंड जिन्ना सोसाइटी, डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज के फंक्शन है ये 1984 में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें के कहा गया था कि इसको कायद आज़म के ख़ानदान से लेकर हेरिटेज डिपार्टमेंट, फेडरल हेरिटेज डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया था। उसके बाद ये 18th अमेंडमेंट के बाद इस सिंध गवर्नमेंट को आया था। एक के बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर आते रहे लेकिन ये उस सिंध हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, जो ऑर्डर था, उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर में पिछले साल उस पर अमल करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग यहाँ पे कायम किया। उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो कुछ ऑर्डर में कहा गया था। उसके बाद एक MOU हुआ था सिंध गवर्नमेंट से जिसका मैंने आपको बताया अभी, उसके मुताबिक एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू होने थे, वो आज उसका पहला लेक्चर होगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज कायद आज़म के ग्रैंड नेफ्यू मिस्टर लियाकत मर्चेंट, सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एट कराची हमारे पास मौजूद हैं। और इनकी जो एफिनिटी है कायद आज़म से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ग्रैंड नेफ्यू हैं कायद आज़म के, उसकी वजह से ये आज जिना एंड पाकिस्तान के मौजू पे हम सबसे ख़ताब करेंगे। इनका ख़ताब 25 से 30 मिनट होगा और उसके बाद आप चंद एक क्वेश्चन कर सकेंगे। उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा हाई टी का इंतज़ाम है। बहुत शुक्रिया सर। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कम एंड एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन KCFR इकराम सैगल, एयर मार्शल रियाजुद्दीन, कमोडोर रिटायर सदीद मलिक, नादरा पंजवानी, अमीना सैयद, प्रिंसिपल जिना फाउंडेशन स्कूल, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मेरी कोशिश होगी कि आपसे मैं उर्दू में खिताब करूँ। हमेशा तो इंग्लिश में होता है, उर्दू मेरी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उर्दू से बात करूँ। उर्दू भी होगा और हल्का से इंग्लिश भी होगा, तो आपको उसको कबूल फरमाइएगा। मुझे आपसे पूछना है, नज़र तो आता है बच्चों को देख के कि आपकी सबकी उम्र, आप सब पैदा हुएंगे बिटवीन 2020 एंड 2015। वॉट हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन, हु इज़ द यंगेस्ट स्टूडेंट हियर, व्हेन वर यू बॉर्न, यंगेस्ट पर्सन, हु इज़ द यंगेस्ट स्टूडेंट हियर, इज योर एज ग्रुप 12 to 15, क्या उम्र है आपकी? 14 ईयर्स। चलो, सो देयरफॉर वी से लेट्स रफली से एज ग्रुप ऑफ 12 टू 15 इन आवर स्टूडेंट्स टुडे, ऑल क्लास 8 एंड 9 और 10। गुड। सो नन ऑफ यू कुड हैव सीन कायद आज़म एक्सेप्ट इन योर ड्रीम्स। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग हैं अभी इस मुल्क में जिंदा तो जिन्ना साहब को देखे हैं, और मुझ जैसे बुढ़े जो हैं बहुत कम रह गए। और इकराम साइकिल के बाल सफ़ेद हैं, मेरे बाल सभी सफ़ेद हैं, बट इकराम साइकिल शायद जिन्ना साहब को देखे होंगे, सदीद मलिक भी देखे होंगे, रियाज नहीं। बहरहाल, मैंने जिन्ना साहब को देखा था जब उनके घर पे मेरी नानी हम सब बच्चों को साथ ले गई थी 1947 में, बिफोर ही लेफ्ट
बॉम्बे फॉर कराची. अब मैं उस पर 7 साल की उम्र का था एंड नाउ 81-82. तो बस इतना ही याद है कि एक शख्स था जो ज़बरदस्त कपड़े, लाइट रंग के कपड़े पहना हुआ था सूट में, और वो नीचे आया हम सब सबसे मिलने के लिए. उनके घर के फ्लोर जो थे बड़े पॉलिश थे, किसी किस्म के लकड़ी के फ्लोर थे बट बहुत पॉलिश थे कि आदमी स्लिप हो जाए उधर. नीचे आए सब मरियम बाई के जो हम नवा बच्चे थे, नवासे नवासियाँ, उनकी बहन के नवासी, सबसे हाथ मिलाए और सबसे अंग्रेज़ी में उनकी स्टाइल ही हुई थी हाउ डू यू डू सबसे करते थे हाथ मिला के. नहीं तो हमें तो हाथ मिलाने की जान निकल गई देख के उनको, तो कोई जवाब ही नहीं दिया हाउ डू यू डू का. वेल दैट वाज द ओनली टाइम मैं जिन्ना साहब को देखा. उसके बाद मुझे मौका मिला फातिमा जिन्ना से मिलने का 1964 में और 65 में कराची में. वो खातून को मिल के आदमी एक दफ़े उनसे मुलाकात कर ले, उनसे बात कर ले, आप कभी उनकी शक्ल भूल नहीं सकते. मैग्नेटिक पर्सनैलिटी फातिमा जिन्ना, एब्सोल्युटली मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. एक दफ़े इनसे मिल लो, बात कर लो, ख़त्म. आपके जहन से उनकी वो इमेज जो है, तस्वीर जो है, वो कभी हट नहीं सकती. तो मैं मुलाकात डर डर के चला गया एज ए यंग मैन. तो पहला सवाल जो करीब मुझे एक ही सवाल सलाम बाद उसके बाद में पहला सवाल था कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन इंडिया. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन इंडिया, शुड कम हियर. ये मैंने बताया मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे. ऐसे अभी कॉलेज पूरा हुआ, अभी तो पढ़ाई कर रहा था, अभी तो पास हुआ हूँ लॉ का. अब ट्रेनिंग हो रही है मेरी वहाँ पे, 2-4 साल लग जाएंगे उसके बाद. यस, फिनिश योर ट्रेनिंग एंड कम बैक हियर. दिस इज़ द कंट्री विल प्रोवाइड यू एम्पल अपॉर्चुनिटी. एनीवे बातचीत हुआ 60 में, फिर मुलाकात हुआ एंड दैट वाज द एंड. एंड आई डिसाइडेड टू कम हियर इन 1967, अर्ली 67. मेरे फैसला करने के पहले उनका इंतकाल हो गया 5 बजे तक, अनफॉर्चुनेटली. बहरहाल जो होना था वो हो गया, हम सबको जाने. जो असल बात मुझे आज आपसे करनी है वो जिन्ना साहब पे करनी है. ये मुझे पूछता हूँ, आपने जिन्ना साहब की तस्वीर के अलावा क्या देखा है? कोई फिल्म देखा है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखा है? बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, आप जिन्ना साहब के बारे में क्या देखा है? कोई फिल्म देखी है? नहीं. कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है? टीवी पे कोई ड्रामा देखा है जिन्ना साहब का? नहीं. ठीक है, आप नहीं देखे, हम आपको जिन्ना साहब पे एक पूरी फिल्म दिखाएंगे. यहाँ पे 2 फिल्म दिखाएंगे. एक फिल्म है जिन्ना जो 1999 में आई थी यहाँ पे, एक वो फिल्म है, और दूसरी फिल्म है जो BBC ने बनाई थी, जिन्ना एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. ज़बरदस्त, दोनों ज़बरदस्त मूवी है. हमने पहले भी दिखाई थी यहाँ पे कायदे जिस फ्लैग स्टाफ हाउस में, एक बड़ा फंक्शन करके दोबारा लॉन में स्क्रीन लगा के दोबारा आपको दिखाएंगे. बच्चा बच्चों को बुलाएंगे यहाँ पे. तो आप जिन्ना साहब को देखेंगे क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या था. अब जिन्ना साहब जब पाकिस्तान का जंग शुरू करे, पाकिस्तान हासिल करने के लिए, जिन्ना साहब पहले तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी में थे. उसके बाद उन्होंने आगे जाके जब पता लगा कि जब ये मुसलमान के ख़िलाफ़ होते जा रहे दिन पर दिन, गांधी साहब और ऑल द रेस्ट, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली छोड़ के मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया. अब जिन्ना साहब जब पाकिस्तान हासिल करने की तैयारी करे और प्लान बनाए कि पाकिस्तान बनाना है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ. आपने कुछ सुना होगा अपने माँ बाप के पास से, अपने टीचरों के पास से, अपने बुज़ुर्गों के पास से, कि आपने कभी सुना कि जिन्ना साहब कुछ जुलूस निकाल के निकले थे इंडिया में मुसलमानों के लिए? नहीं, जुलूस नहीं निकाले थे. जलसा करे थे, कुछ जलसा करते थे वहाँ पे. कहीं जाके जिन्ना साहब ने धरना डाला था इंडिया में, मिनिस्टर घर के सामने, PM घर के सामने, कहीं भी जाके कि हमको पाकिस्तान चाहिए, धरना नहीं, पाकिस्तान नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये धरने से उठेंगे नहीं, 100 दिन 120 दिन हम हटेंगे नहीं यहाँ से. नहीं, जिन्ना साहब न जलसा किया, न जुलूस में गए किधर रास्ते में, न धरना दिया. बाकी के कांग्रेस लीडर्स जो थे वो बार बार जेल में भेजते थे, उनको गलत करते थे, कानून की वायलेशन करते थे, ब्रीच करते थे, तोड़ते थे कानून को, तो उनको जेल में डालते थे. गांधी जेल गया, नेहरू साहब जेल में गए, बहुत सारे मिनिस्टर्स जेल गए, सब के सब पॉलिटिशियंस जेल गए. जिन्ना साहब का कभी एक कोई वाक्य नहीं आया जिसको वजह से हुकूमत ने, अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको जेल में डाला, कभी भी नहीं, नॉट वन डे. जिन्ना साहब की जो जद्दोजहद थी उस ज़माने के मुसलमान के लिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए,
was Sif, it was an intellectual movement. Okay, Pakistan, it was a moral and intellectual achievement. Jinnah sahab takreer karte the, akhbar mein jaake press conferences karte the, functions pe takreer karte the, khat likhte the, article likhte the. इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान को हासिल कर जीतने के लिए बनाने के लिए हमारा स्ट्रगल जो होगा जर्जे जो होगी वो कानून के मुताबिक होगी, आइन के मुताबिक होगी और कानून के मुताबिक होगी और पीसफुल होगी. तो इन शॉर्ट तीन सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा जो जिनाह साहब बोलते थे कि पाकिस्तान वॉज वन. हाउ पाकिस्तान वॉज वन विद द पावर ऑफ स्पीच, जुबान से. पाकिस्तान वॉज वन with the power of the pen, kalam se, likhne se. And thirdly, power was won by the power of vote, election se, vote dalne se. To Allah Ta'ala ne humko zuban diya hai, hamare paas kalam hai, aur hamare jamhuri elections hote hai, usme hissa lena hai aapko. To Pakistan ye teen wajah se aiste aiste saalon mein, 40 mein shuru hua khas movement, uske baad Pakistan hasil hua ye teen tareekon se. कभी जंग नहीं हुआ, कभी जुलूस नहीं हुआ, कभी जलसा नहीं हुआ, कभी धरना नहीं हुआ. तो पाकिस्तान इस तरीके जिनाह साहब ने हासिल किया मुसलमानों के लिए. अब जिनाह साहब को चंद चीज़ों का बहुत ही अहम, उनके दिल से बहुत करीब था. एक तो था डेमोक्रेसी, दूसरा था फ्रेटर्निटी और तीसरा था लिबर्टी और इक्वालिटी सबके लिए. ये तीन चार प्रिंसिपल्स थे जिनाह साहब के जहन में जो हमेशा पाकिस्तान के बारे में कहते, पाकिस्तान में ये होगा, मुसलमान को ये चीज़ें चाहिए और ये चार चीज़ें हमारे दिल से बहुत करीब है, इस्लाम से बहुत करीब है. वो कहते दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम और इसके बगैर हम कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे. फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनके लिए. बहरहाल वक्त आया अंग्रेज़ों को जाने का इंडिया से, तो कोशिश करी गई कि भाई एक पाकिस्तान नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो कहा कि इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा पाकिस्तान का. जिनाह साहब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज चाहते थे कि मुसलमान को जो अपना वोट होगा, हक होगा, वो मिलेगा और जहाँ जो सूबे में मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत बनेगी और जो सूबे में हिंदू ज़्यादा है वहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनेगी. इस पर बातचीत कई सालों चली, आखिर में कामयाब नहीं हुए और अंग्रेज़ ने, ब्रिटेन ने इंडिया का बंटवारा कर दिया. हमें 5 जगह दे दी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, फ्रंटियर और बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो भी बन गया वहाँ पे, वो हमें पाकिस्तान को दे दिया. बहरहाल जो भी था, जिनाह साहब ने कहा कि अभी इससे आगे हमें नहीं मिलेगा, ये ले लो, वरना आगे जाके ये भी नहीं मिलेगा. तो एक्सेप्ट कर लिए, पाकिस्तान बन गया ये 5 मुल्कों में. और वो जंग शुरू हुई 1940 से लेके 1947 तक पाकिस्तान हासिल करने के लिए. अगर वो नहीं होता तो आप और हम यहाँ बैठ के इस चीज़ की बातें नहीं कर पाते. तो हमारी आज़ादी जो है, हमारी मिली, जो हमें आज़ादी मिली है, इससे वजह एक आदमी की वजह से. इनके साथ लोग थे मुस्लिम लीग में, बहुत लोग थे इनके साथ में, बड़े बड़े लीडर थे, लियाकत अली खान थे, सरदार अब्दुल रब निस्टर थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, बहुत लोग थे. मगर सबसे बड़ा लीडर इनको आगे लेके चलने वाला जिनाह साहब थे. अब मैं आपको चंद चीज़ें और बताऊंगा जिनाह साहब के बारे में जो हम सबको पाकिस्तान में उसका फ़ायदा आज तक पहुंचता है. वो क्या है? जिनाह साहब ने 1939 में अपनी वसीयत बनाई, विल बनाई. अब सोचिए ये आदमी ने क्या क्या सोच, 1939 में विल बनाई और उस विल में उन्होंने अपनी मिलकत, अपने जितने भाई बहन थे, एक उनका भाई था अहमद जिना, 4 बहन थी, रहमत भाई, मरियम भाई, मेरी नानी रहमत, शीरीन भाई और फातिमा, इन सब को क्या दिया, महीने के 100 रुपये अपने बिल. उस ज़माने में 100 रुपये बड़ी रकम थी, 39 में हर महीने 100 रुपये इनको मिलते थे जिना साहब के बिल के अंदर. उनको बेटी को पैसे नहीं दिया, और बेटी के बारे में कहा इनके लिए 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, अपने ट्रस्टीज़ को बनाया. ट्रस्टीज़ है एग्जीक्यूटिव कौन था, फातिमा जिना और लियाकत अली खान, और बॉम्बे को उनका वकील था मोहम्मद अली चाय वाला. उनको कहा ये पैसे इन्वेस्ट करो और इसका जो इंटरेस्ट आएगा 2-4% आएगा वो मेरे बेटी को देना हर महीने.
तो वो शुरू हो गया। जब जिन साहब का इंतकाल हुआ तो वो पैसे जाना शुरू हुए उनके बेटी को दीना वालिया को। 47 में तो दो ट्रस्टीज थे, जिना फातिमा जिना थी, लियाकत अली खान था। उसके बाद जब लोग बनना शुरू हो गए इंतकाल करके तो नए नए ट्रस्टी अपॉइंट, 1980 में मैं अपॉइंट हुआ ट्रस्टी। और मैंने भी दीना वालिया को इस 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट कई सालों तक भेजा यहाँ से, कराची से न्यूयॉर्क, उनके अकाउंट में, लंदन में अकाउंट था, न्यूयॉर्क में अकाउंट था। हम लोग यहाँ से भेजते थे बाय द बैंक रेगुलरली, ईच ईयर एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट मिल गया 2 लाख रुपये के डिपॉजिट पे। अब क्या होता था, चंद सौ डॉलर होते थे, फ्यू हंड्रेड डॉलर्स, वो हम भेजते थे उनको वहाँ पे। बेटी को और कुछ नहीं दिया। किसको दिया पैसे अपने, मैं आपको बताऊँ, फातिमा जिना को, उनकी बहन जो थी फातिमा जिना को, घर बम्बे का घर था, वो घर दे दिया उनको, ठीक है। वो घर तो उनको दे दिया, मगर हुकूमत इंडिया ने वो घर को ले लिया, यानी ये प्रॉपर्टी में, इवैक्यू प्रॉपर्टी में ले लिया, तो वो घर भी चला गया इनके हाथ में। हुकूमत पाकिस्तान ने मोटा पैलेस फातिमा जिना को दिया, वो घर उनका था, वहाँ वो गवर्नमेंट ले ली इंडियन गवर्नमेंट ने, तो पाकिस्तान ने मोटा पैलेस उनको दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। ये तो एक हिस्सा हो गया। अब इनके विल में किस किस को, लोगों को, किस इदारों को जिना साहब ने अपने विल में याद करके ने पैसे छोड़े, ये इनके 1939 का विल है, 30 मई 1939। तो ये बता दिए, अपने भाई बहन का नाम लिखा हुआ है इसिक पे, रहमत भाई कासिम जमाल, मरियम आबिदीन पीर भाई, शीरीन जिना, अहमद अहमद जिना, एंड 2 लाख रुपया दीना वालिया के लिए इन्वेस्ट करो। उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो दिया है इनको विल में, 25,000 रुपये दिए है अंजुमन इस्लाम स्कूल बॉम्बे। अब अंजुमन इस्लाम एक स्कूल थी जो मुसलमान बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, उनको छोड़ा 25,000 रुपये, बहनों को दिया 100 रुपया, उनको दिया 25,000 रुपये। उसके बाद दिया 50,000 टू यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, 50,000। फिर 25,000 दिए हैं अरबिक कॉलेज दिल्ली, 3 आलमी इदारे, अंजुमन इस्लाम, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अरबिक कॉलेज दिल्ली। और कहते जो बकाया मेरा पैसा रह जाएगा, बच जाएगा, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सका या बाद में मुझे इस बिल बनाने के बाद में मैं हासिल कर लूँगा, उसके 3 हिस्से बनेंगे। और 3 हिस्से किसको दिया आप ताजुब, हम किसको दिया मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक हिस्सा दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया में, दूसरा 1/3 पोर्शन दिया है इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और 3/3 जो दिया है सिंध मदरसा कराची। अगेन 3 और आलमी इदारे, उनमें बंटवारा कर दिया अपने पैसों का। यह है आपका कायद, और ये एग्जाम्पल लिए कराए एजुकेशन, इतना इनके दिल में जहन में इतना अहम था एजुकेशन पाकिस्तानियों के लिए, ये अपने विल में ये छोड़ के गए यहाँ पे। ये तो उनके विल का आ गया। ये बिल्डिंग में जो आप जो बैठे हैं इस वक्त, कायदे आज़म हाउस कहते हैं, कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग में नाम ऐड चेंज हो गया है, ऐड हो गया है। ये प्रॉपर्टी जिना साहब ने खरीदी 1943 में, ये बिल्डिंग बनी थी अंग्रेज़ के ज़माने में, अंग्रेज़ के ज़माने का कमांडर इन चीफ यहाँ रहता था। उसके बाद वो बिक गई एंड जिना साहब खरीदा कोई पारसी के पास से यहाँ 43 में। उनका इरादा ये था कि ये घर में वो जब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान हासिल कर लेंगे और ये बन जाएगा पाकिस्तान, तो जिना साहब इस घर में आके रिटायरमेंट अपनी लाइफ यहाँ गुजारेंगे इस घर में। तो दिस इज़ वाई ये घर की इतनी इम्पोर्टेंस है। ये घर उन्होंने खुद खरीदा अपने पैसों से और इरादा किया कि मैं इस घर में आकर रहूँगा। और यहाँ जब भी कराची आते थे, यहाँ रहते नहीं थे, ही शुड स्टे एट सीफील्ड विद हारून, अब्दुल्ला हुसैन हारून, उनके घर में। पर इस घर में हमेशा आते थे, विजिट करते थे, रहते नहीं थे इधर। तो ये घर की हिस्ट्री है, ये उनके विल की हिस्ट्री है। तो इस तरीके से हमारा मुल्क बना है। अब थोड़ा आगे जाके मैं आपको 2-4 बातें और बताऊँ और फिर तकरीर ख़त्म हो जाएगी, और आपको जो सवाल मुझे करना है आप ज़रूर करें, आई एम हियर टू आंसर इट। एक और मशहूर वाक़ हुआ था इंडिया में 1944 में, जब पाकिस्तान की जद्दोजहद हो रही थी, चल रहा था बातचीत अंग्रेज़ों में जिना साहब पे, गांधी पे, तो वहाँ एक मीटिंग हुई जिना साहब के घर में। वहाँ भी बॉम्बे में इनका ब्यूटीफुल शानदार इसी किस्म का घर था बॉम्बे में, माउंट प्लेजेंट रोड पे।
तो गांधी साहब वहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए जनरल साहब पास आए थे वहाँ पे। तो वहाँ मीटिंग में बातचीत कोशिश हुई कि कुछ सेटल हो जाए, मगर सेटल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद अब वो मैं आपसे वो पूरी जो किस्से कहानी हुई उस मीटिंग में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फैसला हुआ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट, इट्स लिटिल टीडियस एंड डिफिकल्ट। मगर वहाँ फैसला ये हुआ अल्टीमेटली कि ये मुसलमान और हिंदू दो अलग कौम है, जिन्हें साहब ने बयान कर दिया आखिर में जाके ने, क्योंकि गांधी साहब ने कहा था कि आप इंडिया में जो भी रहते हैं सब हिंदू थे और मुसलमान आप लोग तो बाद में बने, कन्वर्ट करके मुसलमान बन गए आपने, असली तो आप हिंदू थे सब। तो जो लोग अपने आप को मज़हब चेंज करके ने मुसलमान बन गए, ये कौम नहीं होती, ये कौम नहीं बन सकती। जिन्हा साहब का व्यू बिल्कुल उसके मुख्तलिफ था। जिन्हा साहब कहते हैं मुसलमान लोग जो इंडिया में रहते हैं एक नेशन है, वो कौम है, और हमारा हर चीज़ हमारे हर तरीके हमारा अलग है हिंदुओं से, और हम आपके साथ गुजारा नहीं कर सकते। हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, नेम्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, हम हमारा बिल्कुल अलग ही है। और आज आपको तारीख बता रही है कि जैसे कैसे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की जंग हो रही है, एक दूसरे को मार रहे, पेट चीर रहे, बीफ नहीं खा सकते, उनको घर रहने को देते नहीं है, परेशान करते हैं मुसलमान को वहाँ पर। तो ये उस वजह से 1944 में टू नेशन थियोरी जिनाह साहब ने एडवोकेट करी कि मुसलमान एक नेशन है, कौम है, और हिंदू एक नेशन और कौम है, और ये दो कौम साथ नहीं गुजारा कर सकते। तो इसमें एक ही चारा है, अगर यहाँ इंडिया में आपको पीस होना है और साथ रहना है तो मुसलमान कौम को अलग करो, अलग अगर अलग मुल्क कर दो, हिंदू कौम को अलग मुल्क कर दो। तो आखिर में जिनाह साहब जो जंग करे 40 से 47 तक, अल्टीमेटली अंग्रेज़ ने मान ली ये बात को और पाकिस्तान को अलग कर दिया और इंडिया को अलग कर दिया। मगर ये होने के बावजूद जिन्ना साहब की ये ख्वाहिश हमेशा रही कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त रहें, अलग ना हो, बाजू बाजू के नेबर्स हैं, हम उनको नहीं ख़त्म कर सकते, वो हमको ख़त्म नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लिव टुगेदर। और इन बोले कि साथ रहेंगे, हिल मिल के रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और दोनों तरक्की करेंगे, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। तो ये नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। ये पॉलिसीज ऐसी आ गई इंडिया में भी हर जगह, ये जो उनका प्लान था, इनका जो विजन था, वो पूरा नहीं हुआ। अब इसके अलावा विल के तो बता दिया अपनी बात मैंने आपको, जी एक और बताना है बात आपको मैंने, ये जो पैसे जो थे कायद आज़म के विल में, जो जाना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में, वो पैसे नहीं गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ टुडे वजह क्या थी। उधर जब हमने पैसे भेजे बॉम्बे यूनिवर्सिटी को, वहाँ से इनकार करके वापस मुझे भेज दी, मैं था उस ज़माने में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने भेजा था, खत के साथ आया कि आप जिन्ना साहब के नाम से पैसे भेजेंगे हमें नहीं चाहिए, हम वापस कर रहे, अगर आप हमें यही पैसे एनोनिमस भेजेंगे तो हम ले लेंगे। बताइए, ये इनका एटीट्यूड इंडिया का था उस ज़माने में। बहरहाल हमने नहीं भेजा, मैंने कोर्ट में दरख्वास्त कर दी कि ये इनकार कर रहे हैं, और ये इनके जवाब है कि हम ये आपके पैसे नहीं लेंगे जिन्ना साहब के नाम से। फिर बात हुआ कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसे भेजने थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इन दरमियान में पाकिस्तान बनने के बाद 51-52 में वहाँ लॉज चेंज हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट होता था कंप्राइजिंग ऑफ मुस्लिम्स, इनका सिंडिकेट था कंप्राइजिंग ऑफ मुस्लिम, वो सब चेंज हो गया। तो हाशिम सैयद, हाशिम रजा और मैं दोनों जिनाह साहब के विल के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, हमने दरख्वास्त किया कोर्ट को कि तो ये हो गया है इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम पे ये चेंज हो गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इनकार कर लिए पैसे लेने के लिए, हम ये पैसे को करें क्या। तो हाई कोर्ट का फैसला आया जस्टिस अब्दुल्ला कुरैशी का, वही जज जो ये घर को ऑर्डर किया, ये घर कैसा यूज़ होगा, कैसा कौन किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, जो आज हम बैठे हैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वही जज ने फैसला दिया कि ये पैसे आप इंडिया नहीं भेजो, और ये ऑर्डर किया हाशिम रजा को और मुझे, ये पैसे इंडिया नहीं भेजो, आप पाकिस्तान में इस पैसे से ट्रस्ट बनाइए, और वो ट्रस्ट की इनकम जो आएगी आप पाकिस्तानी बच्चों को आगे पढ़ाई करने का स्कॉलरशिप दीजिए। तो ये बन गया स्कॉलरशिप, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक स्कॉलरशिप ट्रस्ट बन गया, उसका नाम रखे कायद आज़म अलीगढ़ स्कॉलरशिप ट्रस्ट। और वो स्कॉलरशिप ट्रस्ट जो कायम हुआ 1984 के जजमेंट से, काम शुरू करा 1985 मेरे दफ्तर से, मेरे वकालत का दफ्तर था कराची में,
उस दफ्तर में जगह दिया, वो ट्रस्ट वहाँ शुरू हुआ। और तीन ट्रस्टीज थे उस ट्रस्ट के, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जस्टिस रिटायर्ड ज़ियाउल्लाह चन्ना और मैसेल्फ। अब तो वो काफ़ी ट्रस्टीज नए आ गए और काम अभी से चल रहा है। अब हम अलग ऑफिस ले लिए, वहाँ से काम चला रहे। अगर आप यकीन करें, जिन्हा साहब के बिल में हमें मिला 1,08,06,000 उनके बिल में, उसको हमने इन्वेस्ट किए मुख्तलिफ स्कीम में, NIT में, इधर उधर करके ने उसको बढ़ाए। वो आज वो रकम हो गई करीबन 6 करोड़। और 6 करोड़ का जो इंटरेस्ट आता है हमारे पास, हम हर साल 200 से 250 स्कॉलरशिप ग्रांट करते। 85 से लेके आज तक हमने तकरीबन 8,000 स्कॉलरशिप दिए, 7,900 ने कितने पाकिस्तानी बच्चों को फॉर हायर एजुकेशन। और मैं सिर्फ ये बता के मैं कंक्लूड, ये जो जो फैकल्टीज में दिए हैं वो बता के मैं कंक्लूड करूँगा, फिर आपके सवाल जवाब दूँगा। आप ताज्जुब हो जाएंगे जो तकरीबन 8,000 स्कॉलरशिप दिया है, कौन से फैकल्टीज में है। देखें, एग्रीकल्चर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स BCom एंड MCom, डेंटल सर्जरी डिग्री कोर्स, मैथमेटिकल साइंस, मेडिसिन MBBS, नर्सिंग डिग्री कोर्स, फिलोसफी MPhil, शरिया, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम एंड गैस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज, बायोमेडिकल साइंस डिग्री कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, लॉ LLB LLM, मरीन इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, BSc एंड MSc, फार्मेसी डिग्री कोर्स, फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स एंड वेटरनरी मेडिसिन डिग्री कोर्स। अब ये डिफरेंट फैकल्टीज़ है 19, जिसमें बच्चों ने स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करी है और कामयाब हुए हैं। और ये जो बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे, जो कामयाब हुए हैं, इनको हम जिना स्कॉलर कहते हैं। और ये जिना स्कॉलर में एक शख्स इंक्लूडेड है, उसमें मशहूर आदमी है जो जिना स्कॉलर था और बड़े फख्र से अपना को जिना स्कॉलर आज भी कहता है, हम भी कहते हैं उसके, वो है सैयद मुराद अली शाह, सिंध का चीफ मिनिस्टर। मुराद अली शाह को ने कायदे आज़म अली का स्कॉलरशिप, ने ट्रस्ट स्कॉलरशिप दिया 2 साल। शाह साहब पढ़ाई करे और पैसे लेके ने बाहर गए, अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करे, वापस आए। वो बहुत चंद लोग हैं बच्चे हमारे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप लिए, जो अपने पैसे वापस आने के वापस करे। मुराद अली शाह ने वापस पाकिस्तान आने के बाद काम करके कमा के ये पैसे वापस करे ट्रस्ट को, तो बहुत बड़ी बात है कि वही पैसा किसी और को मिल सके। तो मैं इस वक्त अपनी तकरीर यहाँ बंद कर दूँगा। अगर आपको कोई सवाल करना है मुझसे, शौक से करें। आपने स्टेट के बारे में बताया, ये घर उन्होंने किसके नाम पर, किसके नाम पे ये घर, किसके नाम पर, खुद के नाम पे। अभी तो ट्रांसफर हो गया ना, जब जब नाम पर नहीं किया। नहीं, अभी तो हमने ये घर को बेच दिया, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये घर को बेच दिया हुकूमत पाकिस्तान को। ऑन द कंडीशन ये था कि हुकूमत पाकिस्तान इस घर को रिस्टोर करेगी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ये बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था, तो एक कंडीशन वो लगाया। दूसरा लगाया कि यूज़ होगा फॉर अ म्यूजियम टू हाउस द इम्पॉर्टेंट रिलिक्स ऑफ जिन्ना। 3 कंडीशन लगाया कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, और 4th था ऑडियो विजुअल सेंटर। तो वो रिस्टोरेशन तो हो गया, मगर वो लाइब्रेरी और वो ऑडियो विजुअल सेंटर अब तक नहीं बना, फ्रॉम 85 ऑनवर्ड्स टिल टुडे। हमारी कोशिश अब जी में, आप भी बोर्ड में, नादरा पंजवानी मोहतरमा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, वो बोर्ड पे है, अमीना सैयद है, इकराम सहगल है, कमर सैयद है, मैं हूँ, और अकील बिलग्रामी है। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ इस ये प्रॉपर्टी के अंदर अंडरग्राउंड जाके या पीछे के हिस्से में कहीं भी 2 चीज़ करना है। एक तो है टू बिल्ड अ जिना लाइब्रेरी, और दूसरा है टू बिल्ड एन ऑडियो विजुअल सेंटर ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो ये हमारी उम्मीद है और दुआ करें कि हम इसमें कामयाब हो जाए। थैंक यू। मे आई नो रिक्वेस्ट द वाइस चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग मिस्टर इकराम सहगल टू कम एंड गिव अस हिज आइडियाज एंड व्यूज अबाउट इट। मिस्टर इकराम सहगल। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड के सी एफ आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और बच्चों, लियाकत मर्चेंट ने तो कायदे आज़म के बारे काफ़ी बात की, मैं चाहता हूँ कि मैं भी बात करूँ लियाकत मर्चेंट के बारे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हम ज़्यादातर अपने जो हीरोज़ हैं उनको हम भूल जाते हैं, और जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो कुछ जिन्ना सोसाइटी ने खुद किया है, जिन्ना फाउंडेशन ने, जिनके बाद मैं भी मेंबर हूँ, और नाजर पंजवानी हमने सही, हमने देखा है आज से नहीं सदियों से, ये एक आदमी की जद्दोजहद है। और उस आप सोचें कि इनने फातिमा जिन्ना के बारे बात की कि आप पाकिस्तान आए, अगर ये पाकिस्तान नहीं आते तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो किसी स्टोर रूम में पड़ा होता, जिस तरह अभी भी पड़ा है। अगर आप जाएं देखें तो आप आउट हाउस यहाँ पर है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कितने रिलिक जिन्ना साहब के घर, वो उन्होंने बड़ी हिफाजत से ताला बंद करके रखा हुआ है, और आई थिंक ताला कोई 10-12 साल से नहीं खुला अभी तक। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो हीरोज़ हैं, हमारे जो ख़ास लोग हैं हमारी ज़िंदगी में और हमारे कौम के, उनको हम ना भूलें। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम में से कोई ऐसे लोग आएँ जो ये करते हैं। ये जब इनने अकेला शुरू किया तो काफ़ी लोग, इनने जिन्ना सोसाइटी बनाया, जिन्ना फाउंडेशन बनाया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया, और अभी भी अगर आप देखें तो जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, और ये भी कोई वीरान एक बंदा था जब हम लोग ने करीबन साल पहले इस जय को लिया था, और इनकी ख्वाहिश और बहुत अच्छी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ पर हम क्या करें, हम जिन्ना साहब की जो मेमोरी है उनको थोड़ा सा हम बच्चों में करें कि बच्चों को पता चले कि वो कौन आदमी था जिसकी विजन, अकेले विजन में, और थी लोगों को, बहुत लोग पाकिस्तान में चाहते थे, लेकिन एक आदमी की कैरेक्टर थी, एक आदमी की विल थी जिसने पाकिस्तान को बनाया। नो, मैं ये नहीं जानना बोलना चाहता हूँ कि हम अब कहाँ पर हैं और कहाँ हम जाएंगे, लेकिन मैं ये जानता ज़रूर हूँ कि हमारा जो मुस्तकबिल फ्यूचर है ना, वो आप लोग हैं पीछे बैठे, और आप लोग इस जिना को, जो हमारी ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश थी और हम सब की ख्वाहिश है कि हम इस पाकिस्तान को वहाँ ले जाएंगे जहाँ हमारी एक विजन थी मुसलमानों की। और अगर आप उस देखना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ था जो जिन्ना साहब ने, कायदे आज़म ने सोच लिया था, और जिस वक्त वो मुस्लिम लीग के आके उन्होंने क़यादत संभाली थी, तो आज चले जाएं कश्मीर में, आज चले जाएं दिल्ली में, आज चले जाएं हैदराबाद में, बंगाल, जिधर भी आप इंडिया में जाएंगे तो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। और आप आज जैस, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में हो गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो विजन जिन्ना साहब ने, लेकिन अगर आज भी कोई प्रोटेस्ट होती है कश्मीर के बारे, या अगर जो बीजेपी ने, जो इनके लीडर्स ने जो हरकत की थी ब्लास्फेमी के बारे, तो बांग्लादेश में भी वही प्रोटेस्ट होती है और यहाँ पर भी वही प्रोटेस्ट होती है। तो उनकी जो ख्यालात थी
कि फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नेशनहुड इन इट्स काइंड, फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नेशनहुड ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान 1000 miles अपार्ट इज स्टिल ट्रू टुडे. नाम अलग अलग आप कर दें बट मुसलमान मुल्क और आज भी वही कायम है, उनकी विजन कायम है. लेकिन वो विजन कायम इसलिए फिर वापस आता हूँ, लियाकत आपके वजह से. और लियाकत हमें बहुत फ़ख्र है कि हम आपके साथ इस मदद करने में, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमें कितना फ़ख्र है. और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम ज़्यादा करें. और मैं दाद देता हूँ कमोडर सदीद मलिक साहब को, जो रियली मैं समझता हूँ कि हम और आप तो काम करते हैं लेकिन अगर देखें दिन रात जो मेहनत करते हैं कमोडर सदीद मलिक साहब और इसको तो बच्चों मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ पीपल कि जज्बा जो है ना ये कभी नहीं भूलना चाहिए. जज्बा जो है ना ये आपको आगे लेके जाएगा. और जज्बे के साथ मेहनत, मेहनत के साथ ईमानदारी, ईमानदारी और आप उस तवक्को से काम करें कि आप अपने लिए तो ज़रूर करें लेकिन अपने से पहले अपने कौम के लिए काम करें. बहुत बहुत शुक्रिया.